झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज की सलामी लेंगे। राज्यपाल रमेश बैस की 14 अगस्त को ट्रेन मार्ग से दुमका पहुंचने की संभावना है। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आज पुलिस लाइन मैदान और रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइंस के अनुरूप होगा। समारोह में बच्चे और बुजुर्गों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। डीसी रविशंकर शुक्ला ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा समारोह कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइंस के अनुरूप होगी। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा दुमका में झंडोत्तोलन किया जाएगा और इस क्रम में जो आवश्यक तैयारियाँ परेड ग्राउंड की और साथ ही साथ आने जाने के क्रम में सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्था है उसके संबंध में आज समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में जो भी आवश्यक इंतजाम करने हैं उसके लिए सभी संबंधित को निर्देश दिया गया और ये प्रयास है कि पूरी तरह से एक अच्छे माहौल में और बिना किसी प्रकार की सफलता के 15 अगस्त का आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं है लेकिन दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास, तो दोनों जो रूट है दोनों मॉड जो है तैयारी की गई है। सभी को लेकर क्या क्या जारी किए गए कोविड को लेकर के? एक तो कि जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें एक्सेस कंट्रोल के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन है, साथ ही साथ बच्चों और बुजुर्गों के आने को लेकर के एक हम लोगों ने एडवाइजरी इशू कर रखा है कि उन्हें नहीं लेकर के आना है। साथ में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कंपलसरी है, बिना मास्क की कोई एंट्री नहीं मिलेगी और इसके अलावा जब बैठने की व्यवस्था हो या बाकी व्यवस्था हो वहाँ पर भी 2 गज की दूरी सुनिश्चित करनी है ताकि कोविड। दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।